मैदानी जंग में तो अक्सर घुड़सवार ही गिरा करते हैं, वो भी क्या खाक गिरा करते हैं जो घुटनों के बल चला करते हैं। सच तो ये है कि एग्जाम की जंग में गिर गए तो उठने से डर लगता है, एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो टेंशन, डिप्रेशन और बस ताना ही मिलता है। आपको ना एक फेमस नाम बताता हूँ, स्टीफन हॉकिंग। 20 साल की उम्र थी जब उन्हें पता चला कि उन्हें एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसमें उनके शरीर का हर एक अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि 2 साल से ज्यादा लाइफ नहीं है इनकी, और धीरे धीरे उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। पहले बायां हिस्सा, फिर दायां और फिर पूरा शरीर सिवाय उनके ब्रेन को छोड़ता है। उनके अंदर के जज्बे, जुनून ने उनके ब्रेन को जिंदा रखा। उन्होंने अपने ब्रेन को इतना शार्प कर लिया कि आज दुनिया के बड़े से बड़े और अद्भुत वैज्ञानिकों में से वो आज एक। कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी जिसकी पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, सिर्फ ब्रेन के दम पर उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और ब्लैक होल जैसी थ्योरी को बताया। आज उनकी उम्र 75 साल है। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने, मौत को मात दे दी। यहां से एक बात समझने की है कि बॉडी अगर आपका साथ दे या ना दे, लेकिन अगर ब्रेन अगर आपके साथ है तो जिंदगी में आप सब कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में तो अभी दुनिया ने सोचा भी नहीं। तो फिर मेहनत करो, हारोगे जरूर पर उठो, फिर उठो, फिर मेहनत करो, पढ़ो, सब पढ़ो, जैसा पहले पढ़ा था अब थोड़ा अलग तरीके से पढ़ो, फिर अलग तरीके से पढ़ो, क्या कमी रह गई थी पिछली बार उसे पूरा करो। अपनी वीकनेस पर वर्क करते करते इतने बेटर आप हो जाएंगे कि आप उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि जहां आप चूज करेंगे कि आपका करियर क्या होगा। मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है, IAS या PCS बनना है, SSC का एग्जाम क्वालिफाई करना है, या बैंक में क्लर्क और PO बनना है। अपनी बॉडी को, अपनी एक्शन को, अपने ब्रेन को शार्प करना शुरू कर दो। पर शार्प करो, खूब शार्प करो, इतना शार्प करो। लाइफ में कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपका ब्रेन शार्प है तो उस प्रॉब्लम को चीरता हुआ आगे बढ़ जाएगा और आपकी जीत होगी। वो कहते हैं ना, बिना काम के दाम कैसा, बिना मेहनत के मुकाम कैसा, जब तक न मिले मंजिल तो राह में आराम कैसा, तो राह में आराम कैसा, तो राह में आराम कैसा।